हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं रविंदर और करते हैं बात लेसन नंबर 9 पे अगेन, पार्ट 3। आज जानेंगे इनपुट की जो बची हुई टाइप्स थी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कुछ इंटरेस्टिंग टाइप्स सीखी हमने इनपुट्स टैग की, तो आज मैं आपको बताऊंगा एक और टाइप। दो और टाइप हैं बेसिकली, हैं तो वो डेट के रिलेटेड हैं बट कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको इवेंट्स। इवेंट्स का मोटिव ये है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अभी फॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो फॉर्म्स में इवेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये मैं सोच रहा था कि आपको जावास्क्रिप्ट जब ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसके ऊपर काम करूंगा तो तब आपको बताई जाए, बट मुझे लगा कि ये नॉलेज भी शायद इस टाइम आपके लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इंट्रो या थोड़ा सा जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लगी कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो वो मैं करूंगा इस वीडियो में, और देन असाइनमेंट। तो असाइनमेंट यही होगी दोस्तों कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो भी अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में करवाई हैं चीज़ें, आप डे बाई डे उसको इम्प्रूव करिए, अपने प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स आगे हैं हम कोड सैंडबॉक्स के ऊपर और करते हैं प्रैक्टिकल। तो मैं लिखने जा रहा हूँ इनपुट टाइप और देन डेट, और इसको कर देते हैं क्लोज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ गया है डेट एक पिकर, जो कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में देखा होगा। तो HTML5 का ये भी फीचर है दोस्तों, अगर आपको कहीं पे एक डेट पिकर लगाना है तो इस प्रॉपर्टी के साथ आप इजीली डेट पिकर अपने इनपुट्स टाइप में लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ कस्टम जो जावास्क्रिप्ट CSS के थ्रू बनाए हुए होते हैं कैलेंडर या डेट पिकर, वो आपको इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। बट अगर किसी केस में आपकी रिक्वायरमेंट है इसको कस्टमाइजेशन करने की या कुछ, तो तब आप वो सारे जो मॉड्यूल या प्लगइन या लाइब्रेरी हैं आप वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप इस प्रॉपर्टी से काम चला सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि ये जो आपकी इनपुट टाइप है कहाँ पे यूज हो सकती है, तो वो यूज हो सकती है दोस्तों जैसे कि आपके पास है डेट ऑफ बर्थ, आपने डेट ऑफ बर्थ लेनी है किसी से, या आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपके पास तो जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट मेंशन करनी है, लीविंग डेट मेंशन करनी है, और जो भी आपकी डेट रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए आप ये वाला इनपुट यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है फ्रेंड्स, मान लो आप DOB ले रहे हो तो मुझे रिस्क करना है कि जैसे आज 8 तारीख है, कल को 9 तारीख है, तो जो अगर ये फील्ड हमारा DOB है वो करंट फील्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जैसे कि आप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया मिन और मैक्स के एट्रीब्यूट हैं, तो आप सेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर वैल्यू की वो डेट इससे बड़ी ना हो या इससे छोटी ना हो। तो मिन, सॉरी हम यहाँ पे करेंगे मैक्स, क्योंकि हमने जो डी ए हुई है वो हमने करंट जो डेट है उससे आगे वाली डेट हमने डिसेबल करनी है। तो जो इसका फॉर्मेट है वो भी हमने डेट में ही रखना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2020 देन हाइफन देन हमारा आएगा मंथ, ये है हमारा 8 मंथ, और जो मैं आज 8 तारीख है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी डेट डिसेबल हो गई हैं, करंट डेट भी हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इससे पुरानी डेट जितनी भी है वो हम सेलेक्ट कर पाएंगे बट आगे की डेट हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स मिन का, और इसके ही अगर आप रिवर्स ले लो या इसके अपोजिट ले लो तो इसको हम बना देते हैं मिन, और मिन में हम क्या करेंगे कि जो आपका ये वाला कैलेंडर है, मैं कह रहा हूँ उनको कि फ्यूचर की डेट जितनी मर्जी हो पर जो
पास की डेट है वो हम स्टार्ट करते हैं 2018 से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट डेट है या स्टार्ट ईयर है वो 2018 आ रहा है। तो 18 में आप ये हमने जो स्टार्ट पॉइंट दिया था, ये मिन दिया था, तो इसके पहले की डेट हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट 7 के बाद की हम सारी डेट सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये था इस टाइप का रोल फ्रेंड्स। तो इसके अलावा दोस्तों एक और सिमिलर टाइप है डेट की, वो है टाइप डेट टाइम एंड लोकल। तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये हमारे पास बन गया है इसका सिलेक्शन बॉक्स। तो आप देख सक रहे हैं इसमें है हमारे पास डेट मंथ ईयर, और देन उसके बाद हमारे पास इंक्लूड हो गया है टाइम। तो आप टाइम भी मेंशन कर सकते हो डेट के साथ। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। इसी तरह फ्रेंड्स इसमें भी हम मिन और मैक्स की डेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स इस टाइप की स्पेशलिटी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स इवेंट्स के ऊपर। तो इवेंट्स के लिए मुझे थोड़ी सी इनपुट चेंज करनी पड़ेगी। मैं अभी कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए टाइप, दो तीन में इवेंट्स आपको बताऊंगा। टाइप इक्वल टू टेक्स कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इनपुट रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं बताता हूँ कि इवेंट्स होते क्या हैं। तो सपोज फ्रेंड्स हमारे पास एक, अगर हम लाइट्स की बात करें कि आपके घर में एक लाइट है, ट्यूब लाइट है या बल्ब है, आपके पास एक स्विच है जिससे वो बल्ब बंद होता है और चलता है। तो जो स्विच है उसमें अगर आप देखो या तो वो डाउन होता है या वो अप होता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि जो ये अप एंड डाउन वाला प्रोसेस है वो इवेंट है। जब आप अप करते हो तो उस टाइम एक इवेंट फायर होता है या करंट पास होता है जो कि आपके बल्ब में एनर्जी देता है और वो जलता है, या वो डाउन होता है तो वो करंट हट जाता है वहां से, उनका कनेक्शन ब्रेक होता है और बंद हो जाता है बल्ब। तो उसी तरह हमारे पास भी हर एक्शन के लिए तो उसी प्रकार हमारे पास भी फॉर्म में, या कह लो इस पूरी विंडो में, वेब में, या कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, जो भी फ्रंट एंड के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, उन सब में इवेंट होते हैं फ्रेंड्स। उनको इवेंट डेरिवन लैंग्वेज, इवेंट लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे पास भी फॉर्म में इवेंट्स हैं, हमारे पास भी HTML में कुछ इवेंट्स हैं जिनके थ्रू आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो करते हैं हम दो तीन इवेंट एग्जाम्पल ताकि आपको कुछ क्लियर हो फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो मैं इवेंट लिखने जाऊंगा वो है ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक करता क्या है फ्रेंड्स? ऑन क्लिक मान लो ये मैं कोई क्लिक कर रहा हूं, तो ये इवेंट ऑन क्लिक है, वो फायर होगा क्लिक पे, यानी कि माउस के क्लिक पे। आप कीबोर्ड से क्लिक तो नहीं कर सकते, तो ये माउस के क्लिक पे जो इवेंट फायर होगा उसे बोलते हैं ऑन क्लिक। अब मैंने ये जो इवेंट जो बाइंड किया है या इसके साथ डिस्टैच किया है वो इस इनपुट के साथ किया है। तो अभी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो कुछ हो नहीं रहा है, इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। बट अब मैं एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है अलर्ट, वो यूज करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इट्स मी, ठीक है। अब आप थोड़ा इसका इम्पैक्ट देखना फ्रेंड्स,
जैसे ही मैंने क्लिक किया एक बॉक्स ओपन हो गया, क्योंकि ये विंडो का लट बॉक्स है जो कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ओपन होता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका ऑन क्लिक इवेंट। तो फ्रेंड्स एक और इवेंट है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है हमारे पास की डाउन, ठीक है, इट्स डाउन। अब मैं इसमें कोई भी की है जो मेरी, लाइक मैं दबा रहा हूँ पी। अब जैसे ही मैंने डाउन हुई और छोड़ी तो ये अलर्ट आ गया, तो ये हो गया हमारा की डाउन। इसी तरह हमारे पास है की अप, इट्स अप। इस पे अगर मैं कोई की प्रेस करता हूँ और फिर ऊपर की छोड़ता हूँ तो ये हो गया अप। तो ये इवेंट हो गया हमारा की अप। इसके अलावा हमारे पास एक और है की प्रेस। अब की प्रेस का मतलब है कि कोई भी की आप प्रेस करते हो और प्रेस करने पे वो ऑब्वियसली डाउन ही जाएगी, तो ये तब भी फायर होगा। सॉरी मैं हमने यहाँ पे आप ही लिख दिया, तब थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इट्स प्रेस। तो ये सिमिलर ही है, अगर आप डाउन और प्रेस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद हमारे पास एक और इवेंट है ब्लर, ऑन ब्लर। अब ऑन ब्लर क्या काम करेगा, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो या आपका जो कर्सर है या फोकस है वो इस इनपुट में है। अब इसके अलावा आप कहीं पे भी क्लिक करते हो, यानी कि आप इस इनपुट से कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, यानी कि बाहर जा रहे हो, आपका फोकस इस इनपुट से हट रहा है, तो ये इवेंट तब कॉल होगा। तो लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, अब मैं फर्दर कहीं भी बाहर क्लिक करता हूँ, इस पर करता हूँ, यहाँ करता हूँ, तो साथ ही ये इवेंट फायर हो जाएगा। तो हमें इस इवेंट से ये पता लग जाएगा कि इस इनपुट का फोकस हट चुका है, तो उस पे आप कोई एक्शन फायर करवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था जो मेन इनपुट्स के ऊपर। अब अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा चेंज के ऊपर, उसके लिए हमें एक सिलेक्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंज इवेंट है वो इनपुट्स के ऊपर नहीं चलता। मान लो मेरे पास ऑप्शन है टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी मैं वैल्यू भी डाल देता हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यू डाल दी इसमें, ऐसी डमी वैल्यू। तो ये हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स बन चुका है। अब जो ऑन चेंज इवेंट है उसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, दिस यानी कि इस जो करंट एलिमेंट है उसको वो रेफर कर रहा है, तो दिस डॉट वैल्यू हम अगर लिखते हैं, तो अब इसकी वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, और इसका टैक्स भी कुछ डेमो कर लेते हैं। तो अब फ्रेंड्स आप देखना, जैसे ही मैंने चेंज किया या सेलेक्ट किया तो हमारे पास आ गया 50 और डेमो भी सिलेक्ट हो गया। अगर हम फिर दोबारा, तो आपके 15 और ये टेस्ट हो गया। तो ये काम था ऑन चेंज का। तो ये थोड़े से इवेंट्स हैं फ्रेंड्स कि HTML में इवेंट्स कैसे फायर होंगे जावास्क्रिप्ट के, तो वो ऐसे होंगे फ्रेंड्स। आपको ये एट्रीब्यूट, अगर हम HTML की बात करें तो ये एट्रीब्यूट हो गए HTML में, बट ये फायर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के मेथड फंक्शन। तो ऐसे हम इम्बेड करेंगे HTML को जावास्क्रिप्ट से। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको लगा होगा आई होप, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस में और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे
काम और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, वीडियो और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, और जावास्क्रिप्ट जब आप करने लगेंगे फ्रेंड्स, तो श्योरिटी ही है कि आप जरूर आप उस आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा और आप काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप इनको प्रैक्टिस करिए और मुझे असाइनमेंट जल्द से जल्द भेज दीजिए ताकि मैं आप उसको रिव्यू कर सकूं और आपके HTML और इम्प्रूव करवा सकूं और आप HTML सीख जाएं, यही मेरा मोटिव है। और हम इसके बाद बढ़ेंगे CSS के ऊपर ताकि आप एक फुल फ्लैज वेब पेज डिज़ाइन कर सकें, उसकी कोडिंग कर सकें और देन उसमें जावास्क्रिप्ट इम्बेड कर सकें और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने कमेंटिंग और अपने फीडबैक शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।